मालेगांव में हुई उद्धव ठाकरे की सभा में उद्धव ठाकरे ने राहुल गांधी को दी चेतावनी, कहा सावस्कर का अपमान सहन नहीं करेंगे। राहुल गांधी के डिस्क्वालिफिकेशन के खिलाफ कांग्रेस ने संकल्प सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन में एमपी पृथ्वीराज चौहान, बाला साहब थोराट और भाई जगताप के साथ बहुत सारे कार्यकर्ता पोस्ट होल्डर शामिल थे। मुंबई में बढ़ रहा है कोरोना का कहर, मुंबई के हॉस्पिटल्स में कोविड 19 वार्ड फिर से रीओपन हो गए। मुंबई में पिछले 24 घंटों में 123 कोविड पॉजिटिव केसेस रजिस्टर हुए हैं, जिसमें से 17 लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। डीआरआई ने मुंबई एयरपोर्ट से दुबई जा रहे 3 लोगों को गिरफ्तार किया। तीनों के पास एक ट्रॉली बैग था, जिसमें 1.5 करोड़ के करीब फॉरेन करेंसी मिली है। साकिनागर राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक और हार्डवेयर शॉप में लगी आग, इस हादसे में राकेश गुप्ता नामक 22 साल के शख्स की जान गई है। आईपीएस ऑफिसर कृष्ण प्रकाश सर ने बनाया नया रिकॉर्ड, गेटवे ऑफ इंडिया टू एलिफेंटा समुद्र में लहरों के खिलाफ स्विमिंग करके रिकॉर्ड बनाया। वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में निकोल ज़रीन और लविना बर्गेंस की जीत के साथ भारत को 4 गोल्ड मेडल मिले। मुंबई के फोर्ट एरिया में ऑनलाइन मटका लॉटरी सेंटर पर एसएस ब्रांच ने की छापेमारी, साथ ही 17 लोगों पर की कार्रवाई। सलमान खान को मिली धमकी में बिश्नोई समाज से माफी मांगने की बात कही गई थी, जिस पर रिएक्ट करते हुए राखी ने उठक बैठक लगाकर माफी मांगी, कहा सलमान की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। अंधेरी वेस्ट वीरा देसाई रोड के पास हाई पॉइंट वाइन शॉप में मिला सांप, सांप रेस्क्यूअर को बुलाकर किया गया रेस्क्यू। अंधेरी वेस्ट लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स में रहने वाले फिल्म प्रोड्यूसर केतन गुप्ता के 14 साल के बेटे को अडॉप्ट कुत्ते ने काटा, अडॉप्ट कुत्ते के ओनर के खिलाफ ओशीवाड़ा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज। सीएम एकनाथ शिंदे राज ठाकरे से मुलाकात करने उनके घर शिवतीर्थ पहुंचे, महाराष्ट्र में मची पॉलिटिकल हलचल। मुंबई इंडियन ने जीता वुमेन प्रीमियर लीग फाइनल में दिल्ली कैपिटल को 7 विकेट से हराया। सलमान खान को धमकी भरा ईमेल मिलने वाले मामले में मुंबई पुलिस ने एक शख्स को राजस्थान से किया गिरफ्तार। बीएसटी के कर्मचारियों का पीएफ नहीं भरने पर पूर्व मेयर किशोरी पेंडिकर की कंपनी पर केस दर्ज। पार्क स्कूटर पर महिला के साथ मारपीट करते हुए एक शख्स का वीडियो हुआ वायरल, ये वीडियो मल्लाड़ का बताया जा रहा। फर्जी दस्तावेज पर लोन लेकर खरीदी गई 9 मोटरसाइकिल को जब्त किया एमबीवीवी पुलिस ने, विरार से 2 लोगों को गिरफ्तार किया। दहेज के लिए परेशान करने के आरोप में पति, सास सहित 9 फैमिली मेंबर्स पर कामोटी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज। कॉपी फ्री कैंपेन के बावजूद एसएससी और एचएससी बोर्ड एग्जाम 2023 के दौरान चीटिंग के 20 मामले सामने आए। बीएमसी का साफ सफाई का मॉड्यूल अब पड़ोसी राज्य गुजरात में भी लागू होगा, बीएमसी ने दी जरूरी ट्रेनिंग। शिवाजी महाराज पर टिप्पणी को लेकर कोशियारी और सुधांशु त्रिवेदी को राहत, बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा ये आपराधिक केस नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में घर पर तरावी की नमाज पढ़ने से बजरंग दल को एतराज, पुलिस ने रोका तरावी नमाजियों को नोटिस दिया गया। मुमरा रेलवे स्टेशन पर नाबालिग को कथित रूप से रूमाल में शराब डालकर आग लगाकर लोकल ट्रेन के डिसेबल कंपार्टमेंट में फेंकने के आरोप में हिरासत में लिया थाने जीआरपी ने, इस हादसे में एक शख्स के हाथ पर चोट लगी है। महाराष्ट्र बीजेपी एमपी ने पार्लियामेंट में शिवाजी महाराज के स्टैचू के पास राहुल गांधी के खिलाफ सावस्कर पर किए गए कमेंट का विरोध करते हुए प्रोटेस्ट किया।